आज बाबा के 24 तारीख के बाबा के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो, इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। प्रश्न है, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? बाबा ने हम बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया? तो बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे, तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़ी है, ये रॉन्ग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं, वह है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ, राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो, धरती आसमान सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं। तो कहेंगे, रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में कितने करोड़ हैं, राम राज्य में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में है निर्विकारी, मनुष्यों की ही कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक है। अभी कितने अनेक धर्म है, गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश, बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, ये है हद का जलाना, तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं, विदेश में भी जहां जहां भारतवासी जास्ती होंगे वहां भी जलाएंगे। वह है हद का दशहरा दिखाते हैं। लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुरा कर लंका में ले गया, यह हो गई हद की बातें। अब बाप कहते हैं, सारे विश्व पर रावण का राज्य है, राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते, जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है, कॉरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत चलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला, हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है। अभी सब आत्माओं की ज्योत उजाई हुई है, आयरन एजेड है यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग, भक्ति करते करते ज्योत
कम हो जाती है। बाकी वह दीपमाला तो आर्टिफिशियल है, ऐसे नहीं कि कॉरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं, दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। यह उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं उनका कॉरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। यह सब है हद के। अभी तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए हैं सबकी जोत जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी जोत बड़ी जोत से मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव जोत जगती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक, तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो। जलने की तो बात नहीं, जैसे वह आशिक माशूक होते हैं तो वह एक दो के आशिक बन जाते हैं। यहाँ वह एक ही माशूक है, बाकी सब है आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। माशूक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़े, तुम्हारे सिवाय हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। यह तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं, उन आशिक माशूक का जिस्मानी लव होता है। बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक माशूक, बाकी सब है आशिक। सब बाप को याद करते हैं, भल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं। फिर ओ गॉड, हे भगवान, मुख से जरूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं। कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक, हनुमान के कितने आशिक होंगे। सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। पूजा कर फिर माशूक को डुबो देते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता, यहाँ वह बात नहीं है। ये तुम्हारा माशूक एवर गोरा है, कभी सांवरा बनता नहीं। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहाँ पाठ बजाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको यह टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है? शिव बाबा भी है, हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना शरीर के साथ। बाप भी इसमें आकर समझाते हैं, शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी न हो तो तुमको कैसे बनाए। वे सबसे सुप्रीम ऊंचते ऊंच आत्मा है, देह को थोड़ी कहा जाता। वह सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन ना सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में है। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम ही सुनते हो और खुश होते हो। बाहर वाले सुने तो आश्चर्य खाएं, ओहो यह तो बहुत ऊंच ज्ञान है। अच्छा,
तुम भी ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ से बाहर गए खलास, माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम यानी वायदा कर निकलता है फिर भी वहाँ की वहाँ रह जाती है, तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, यह करूँगा, बस बाहर निकला, वहाँ की वहाँ रही, परंतु फिर भी कुछ न कुछ असर रहता है। ऐसे नहीं कि वह फिर आएंगे नहीं, झाड़ की वृद्धि होती जाएगी, झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी तो यह है रौरव नरक, गरुड़ पुराण में भी ऐसी सी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डरे रहें। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं। पाप कहते हैं, मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल शीर सागर में भेज देता हूँ। असुल तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुखधाम में पाठ बचाने आए, अभी फिर हम जाते हैं शांति धाम और सुख धाम। ये धाम तो याद करेंगे ना, गाते भी हैं तुम मात पिता, वे सुख घनेरे तो होते ही हैं सतयुग में, अभी है संगम। यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है, फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का यह खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से कोई शरीरधारी थोड़ी आते हैं, ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परमपिता परमात्मा शिव ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं तो फिर सारे विश्व में गॉडफादर का त्योहार मनाते, बेहद के बाप का यादगार मनाएं। तब जब समझें कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है, उनका जन्म भी भारत में होता है, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं तो हॉलीडे भी नहीं करते हैं। जो बाप सर्व की सदगति करने वाला, उनकी जन्मभूमि जहां अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, परंतु किसी को पता नहीं है कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर गाइड बनता है। कहते सब है कि सब दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं, भारत बहुत ऊंचते ऊंच खंड है। भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है, वहां ही शिव बाबा का जन्म होता है, उनको कोई मानते नहीं, विलायत में सॉरी स्टैंप नहीं बनाते, औरों की तो बहुत बनाते रहते। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता पड़े। विलायत में भी सन्यासी जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम ये राजयोग बताएंगे तुम्हारा बहुत नाम होगा। बोलो राजयोग किसने सिखाया था, ये किसी को पता नहीं है। कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं, ये हठ योग है सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसोफर कहते हैं, वे इन बातों को समझ और सुधर जाएं।
कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वह राइट है, बाकी सब है रॉन्ग। तो यह भी समझें कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान यहाँ है जहाँ बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो इसको कहा जाता है धर्म भूमि। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहीं नहीं। तुम कितना दान पुण्य करते हो बाप को जानकर, तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुखों से छुड़ाते हैं। और धर्म स्थापक कोई दुखों से नहीं छुड़ाते, वे तो आते ही हैं उनके पिछाड़ी। नंबर वार सब पाठ बजाने आते हैं, पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है, भारत सबसे नंबर वन ऊंच भूमि है। बाप कहते हैं मेरी ये जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो, तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ यह चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है, बहुत उदारचित हुंडी भरने वाले सांवल शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं, ताकि सबको मालूम पड़े कि कौन है जो पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है, बेहद के बाप के बच्चे होना शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी कहा, अथॉरिटी कहा जाता है, सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का, मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम हरेक रूप बसंत हो, तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज हरी भरी बन जाती है, सब कुछ नया, वहां दुख का नामो निशान नहीं। पांच तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं, अभी वह डिसर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है, बाप अभी लायक बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। आज बाबा ने हम बच्चों को धारणा में पक्का कराया है कि रूप बसंत बन, सदैव मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है। सच्चा सच्चा आशिक बन, एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। वरदान है गृहस्थ व्यवहार
और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता से सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसीलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। जब कर्मेंद्रियों पर जीत पाएंगे, माया जीत बनेंगे, तभी फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। अच्छा, ओम शांति।